नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। बेटियों के प्रति अभी भी मानवीय दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है। अन्यथा कोई भी माँ अपनी दूध मुही हुई बच्ची को घने जंगल में मरने के लिए छोड़कर नहीं जाती। वह तो गनीमत थी कि चरवाहे ने उस बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर उसे समय रहते अस्पताल पहुँचा दिया, जहाँ उसका प्राथमिक उपचार हो सका। नहीं तो दो कुलों की शान यह बेटी रो रो कर जंगल में ही दम तोड़ देती या किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाती। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली अनुभाग की, जहां एक निर्दयी मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को रोने बिलखने के लिए घाट स्थित घने जंगल में छोड़ गई। यह इस बात की परिणामित है कि आज भी समाज में बेटियों को दोहे दर्जे का सम्मान नहीं मिल पाया है और उसके जन्म के बाद कुरीति मानसिकता अभी भी बनी हुई है। इस कुरीति मानसिकता का उदाहरण देवास जिले के बागली थाना क्षेत्र के भेरू घाट के घने जंगल में देखने को मिला, जहां पशु चराने वाले एक चरवाही ने आज सुबह मासूम नवजात की चीख पुकार सुनकर पास जाकर देखा तो एक फूल सी मासूम नवजात बच्ची लहूलुहान हालत में पेड़ के पत्तों में रखी जमीन पर पड़ी हुई है। उस चरवाहे ने तत्काल बागली थाना पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही बागली थाना प्रभारी अमित सोनी स्टाफ सहित मौके पर पहुंचे और उस मासूम नवजात को गोद में उठाकर सीधे बागली स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने मासूम को जीवित पाया और मासूम नवजात का प्राथमिक उपचार किया। वहीं मासूम का बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल देवास रेफर किया गया। यहाँ मासूम नवजात का उपचार जारी है। आज इस नवजात दूध मुही बच्ची के मिलने के बाद वे तमाम दावे और नारे खोखले साबित हो गए हैं जो बेटियों के लिए लगाए जाते हैं। चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, चाहे वो बेटी को देंगे बराबरी का दर्जा या उसे बनाएंगे लाडली लक्ष्मी, सब खोखले नजर आ रहे हैं। देश के आजाद हुए 70 साल बीत जाने के बाद भी मानसिक कुरीतियां आज भी समाज पर हावी हैं। नहीं तो कौन माँ अपनी दूध मुही बच्ची को जंगल में छोड़कर चली जाती। जो मिला था लावारिस हॉस्पिटल में, क्या स्थिति है उसकी और क्या अभी उपचार चल रहा है? क्या जी, आज सुबह एक बच्चे को लाया गया था तो बच्ची पूरी तरह से मिट्टी में सनी हुई थी। सफाई के बाद देखा तो उसके शरीर पर काफी घाव थे और बच्ची के सिर में भी घाव था जिसमें कि कुछ कीड़े निकल रहे थे। बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल थी उस समय जब मैंने देखा, तो ऐसी स्थिति में हमने उसका प्राथमिक उपचार किया है और प्राथमिक उपचार करने के बाद बच्ची की स्थिति को स्टेबल करके और देवास के लिए रिफर कर दिया है। एक ये पता है नवजात बच्ची मिली है, क्या पूरा मामला है? बरसी घाट पर बकरा बकरी चलाने वाले कुछ लोग गए थे भैरू घाट के पास, भैरू मंदिर के नजदीक, तो वहाँ उन्हें जंगल में किसी बच्चे के रोने की आवाज आई थी। उस आवाज पर उन्होंने वहाँ जाके देखा तो एक नवजात बच्ची थी जो रो रही थी, मिट्टी में सनी हुई थी। उसको ऊपर लाकर उन्होंने 100 को सूचना की थी। उस सूचना पर 100 पहुंचकर उस बच्ची को हॉस्पिटल बागली में पहुंचाया। क्या सर, इस मामले में जो अज्ञात लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज वगैरह क्या? अभी हमने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 317 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है और बच्ची अभी उपचाररत है। इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम लगा दी है, जैसे कोई जानकारी मिलती है आगे कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।